नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के संभल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व एसपी विधायक के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। विधायक के बेटे समेत पांच पर केस दर्ज हुए हैं। 50 से 60 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। बगैर इजाजत चुनावी सभा करने का आरोप लगा है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप है। गुन्नौर के पूर्व विधायक राम खिलाड़ी यादव के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। बगैर इजाजत चुनावी सभा करने का इन पर आरोप लगा है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को फटकार लगाई है। आयोग ने उसे कोविड गाइडलाइन तोड़ने का दोषी पाया है। दरअसल 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के एसपी में शामिल होने के मौके पर लखनऊ स्थित एसपी ऑफिस में भारी भीड़ जमा हुई थी। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने ऑफिस में भारी भीड़ जमा कर समाजवादी पार्टी ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया। आयोग ने कहा है कि गाइडलाइन उल्लंघन का यह पहला मामला है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को सलाह दी है कि वो भविष्य में गाइडलाइन पालन को लेकर सतर्क रहे। इस बीच अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं। दिल्ली में वो बीजेपी में शामिल होंगी। इसे मुलायम परिवार में बीजेपी की बड़ी सेंध माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के अपने घर में इस वक्त बहुत कुछ अलग चल रहा है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के भविष्य की चिंता कर रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दल बदल के बीच में कैसे गरमा रही है यूपी की सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए जरा। मुलायम परिवार में बीजेपी की सेंध। साइकिल छोड़ कमल के साथ अपर्णा। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। जी हां, मिशन 2022 से पहले समाजवादी पार्टी को सदमा सा लग गया है, और सदमा किसी गैर ने नहीं बल्कि अपने ने ही दिया है। वो है मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो आज बीजेपी में शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में वो पार्टी की सदस्यता लेंगी। इसकी पुष्टि बीजेपी नेता अरुण यादव ने ट्विटर पर दी। हालांकि अखिलेश यादव ने सोमवार को अपर्णा को लेकर सवाल के जवाब में कहा था कि ये हमारे घर का मामला है, सुलझा लेंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे परिवार की हमसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। कहीं आप भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर के तो नहीं सवाल पूछ रहे हो? अखिलेश यादव का ये दावा पूरी तरह से फेल हो गया। अपर्णा ने अब अपना मन बना लिया है, और इसकी वजह बताई जा रही है कि वो लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर क्या था, तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद उन्होंने परिवार से ही बगावत का फैसला कर लिया। 16 जनवरी को न्यूज 18 से बात करते हुए चाचा शिवपाल यादव ने अपर्णा को नसीहत दी थी। देखिए, अभी तो उनको बहुत सीखना पड़ेगा, एकदम सब नहीं मिलता है। जब भी कहीं पर भी पार्टी में जहाँ पर भी है, कुछ दिनों काम करना चाहिए। मैंने तो हमेशा देखिए ये सोचा है कि पहले तो काम करूँ, काम करने के बाद जरूर मिलता है। चाचा शिवपाल सीखने की बात कह रहे थे, लेकिन अपर्णा ने तो परिवार को ही बहुत कुछ सिखा दिया। दरअसल अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ये वही रीता बहुगुणा जोशी हैं जो इस बार लखनऊ कैंट सीट से अपने बेटे के लिए बीजेपी से टिकट मांग रही हैं, और इसके लिए राजनीति से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। कि एक परिवार से एक ही होगा, तो रीता बहुगुणा जोशी उनके मार की बाधा बन गई। तो मैंने ये पत्र एक लिखा है विनम्रता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि यदि ये अड़चन है तो मैं तो पहले ही घोषणा कर चुकी हूँ कि मैं 2024 में चुनावी राजनीति से संन्यास लूंगी, तो मैं पहले ही संन्यास ले लेती हूँ। मुलायम परिवार की बहू बीजेपी में शामिल हो रही है, वाकई बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ी टेंशन जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि रीता अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट सीट मांग रही हैं, तो अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी इसीलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट ना मिलने की आशंका थी। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में सियासी समीकरण कितने और किस तरह बदलते हैं, क्योंकि चुनाव है तो सियासी रंग दिखने तो लाजमी है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। पार्टी पिछले कई दिनों से दिल्ली में टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और उम्मीदवारों के बारे में मिले फीडबैक और गहन समीक्षा के बाद ही पार्टी टिकट देगी। माना जा रहा है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला हो सकता है। इससे पहले कल भी करीब 5 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, इसमें गोरखपुर और काशी क्षेत्र के टिकटों को लेकर चर्चा हुई है। तो टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज होनी है, उम्मीदवारों के नाम पर फैसला संभव है। पार्टी कई दिनों से लगातार मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी आज से एक अनोखा अभियान चलाने जा रही है। वो मुफ्त बिजली को लेकर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर रही है। इसमें कहा गया है कि जिन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहिए वो अपना नाम रजिस्टर कराएं। इस अभियान के तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से फॉर्म भरवाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब ममता बनर्जी की भी एंट्री होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस यहां से चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी पहले चरण के चुनाव के पहले लखनऊ आएंगी। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी 8 फरवरी को लखनऊ आएंगी और समाजवादी पार्टी के समर्थन में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो SP मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी पहले ही अखिलेश यादव को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी हैं। कुछ अन्य राज्यों के नेता भी समाजवादी पार्टी को समर्थन देने लखनऊ आ सकते हैं ताकि बीजेपी को सत्ता में वापसी से रोक सकें। चुनाव आयोग की ओर से रैलियों और रोड शो पर रोक लगाए जाने के बाद अब बीजेपी डिजिटल चुनाव प्रचार पर जोर दे रही है। 23 जनवरी से डिजिटल प्रचार तेज होगा और इसमें प्रदेश भर से लोगों को जोड़ने का प्लान है। इसके अलावा बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जोड़ेगी। तो बीजेपी का डिजिटल तरीके से प्रचार करने का अभियान पूरी तरह से तेज है। इस पर डिजिटल प्रचार पर बीजेपी खास फोकस कर रही है। 23 जनवरी से यह अभियान और तेज होगा। लगता है बरेली के मौलाना तौकीर रजा विवादों में बरे रहने के शौकीन हैं। 7 जनवरी को बरेली में दिए गए बयान का बवाल अभी शांत नहीं हुआ कि एक और बयानबाजी से वो सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मौलाना ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहने के आदि मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। 7 जनवरी के दिए गए बयान पर बवाल अभी शांत नहीं हुआ कि एक और बयान से विवादों में घिर गए हैं। यूपी में कांग्रेस को समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर ने कांग्रेस को कोसते हुए 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों को शहीद बता दिया। कांग्रेस ये न समझे कि उनको माफ कर दिया है, अभी मुसलमानों ने आपको पैरोल पे छोड़ा है। अगर आपका काम आगे ठीक रहेगा तो फिर आपके बारे में आगे सोचा जाएगा, लेकिन उन्होंने समझा अब हमारी सरकार बन गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। तो सुना आपने, 13 सितंबर 2008 में दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में मारे गए 26 लोगों के कातिल आतंकी नहीं शहीद थे। यूपी में कांग्रेस के समर्थन में उतरे मौलाना तौकीर भड़काऊ बयान में हमेशा आगे रहते हैं। इससे पहले भी इसी महीने की 7 तारीख को उन्होंने बरेली में खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दी थी।
था, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को खत्म हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मुजदिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं इसका ही मैं मरूंगा बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। लगता है अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दरअसल भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मौलाना सोमवार को ही यूपी कांग्रेस के समर्थन में उतरे हैं। एक व्यापक जन समर्थन आदरणीय तौकीर रजा साहब ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो एक लोगों के लोकप्रिय लीडर भी हैं, उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि है, खास चहेते भी हैं और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने उनके तौकीर के भड़काऊ वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि तौकीर रजा कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, यूपी के चुनावों में नफरत की सियासत हो रही है। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी के खिलाफ नफरत का जहर उगला जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कॉम्पिटिशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बोटी बोटी इमरान मसूद चले गए तो उसकी जगह भरने के लिए, उसी का काम करने के लिए, सांप्रदायिक आग झोंकने के लिए तौकीर रजा के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलाया है हाथ। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वैसे तो कहती है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, राहुल गांधी चुनावों में हिंदू बन जाते हैं, लेप लगाकर मंदिर मंदिर चले जाते हैं, परंतु उनकी पार्टी ने जब ऐसा वैचारिक गठबंधन तौकीर रजा के साथ किया है, तब राहुल गांधी कुछ कहेंगे ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति के बारे में। वही कांग्रेस को समर्थन करने वाले भड़काऊ मौलाना पर अयोध्या के संत भी भड़क गए। उनका आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से देश की एकता को तोड़ने का काम करती है और जिस तरह से हिंदुत्व के साथ और हिंदुत्व विचारधारा के साथ उसने दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई आज का काम नहीं है। कांग्रेस सदैव हिंदुत्व विचारधारा से सदैव विमुख रही है। कि मौलाना तौकीर रजा जो अभी कुछ ही दिन पहले भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे और उनको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से वो है एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है, देश विरोधियों को ही जो है वो जोड़ रही है। ये दुखद है, ये कांग्रेस के लिए भी महंगा पड़ेगा। मौलाना तौकीर कांग्रेस की ओर से मुसलमानों का वोट दिलाने के लिए यूपी में कूद गए हैं। अब यूपी की जनता को तय करना है कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल खबरें यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इमरान मसूद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इमरान मसूद बीएसपी के टिकट पर सहारनपुर के नकुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। आज दोपहर में वो इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। वहीं मसूद अख्तर को लेकर खबर है कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और अपनी मौजूदा सीट सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पर जानकारी निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इमरान मसूद बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं और सहारनपुर के नकुड़ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।